नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश भर में गुरुवार को कहीं पोंगल मनाया गया तो कहीं मकर संक्रांति। इस मौके पर कई बड़ी हस्तियों ने देशवासियों को इस त्योहार की बधाई दी, लेकिन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर्स ने तो बधाई तक नहीं दी। जबकि पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर दानिश कनेरिया तक ने दुनिया भर में रह रहे हिंदुओं को बधाई दी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर रामनवमी, नवरात्र, होली जैसे तमाम हिंदू त्योहारों पर भारत समेत दुनिया के तमाम हिंदुओं को बधाई देते हैं। यही वजह है कि वो मकर संक्रांति पर भी हिंदू समुदाय को बधाई देना नहीं भूले। खुद हिंदू समुदाय से आने वाले दानिश कनेरिया ने गुरुवार को सुबह सुबह ही ट्वीट कर मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा, सभी को मकर संक्रांति की बधाई। सूर्य भगवान अपनी किरणों से हम सब पर आशीर्वाद रखें और सबको अपने जीवन में उज्जवल करें। सीमा पार पाकिस्तान से मकर संक्रांति की बधाई आई तो भारत के लोगों में भी खुशी देखने को मिली। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, आप पहले क्रिकेटर हैं जो हिंदू होने पर गर्व करते हैं और हमारे क्रिकेटर शर्म करते हैं। कम से कम आपको उन लोगों को सीख देनी चाहिए। हरीश तिवारी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, दानिश कनेरिया आप बहुत हिम्मती हैं जो सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के पर्व की शुभकामनाएं देते हैं, वरना हमारे देश में बहुत ऐसे हरामखोर हैं जो हिंदू धर्म के किसी पर्व की शुभकामनाएं देने में डरते हैं कि कहीं उनके अब्बा नाराज ना हो जाएं। आप और आपके पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं। अरविंद गुप्ता नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, किसी भी भारतीय क्रिकेटर का ट्वीट नहीं आया। एक और ट्विटर यूजर ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, दानिश कनेरिया के ट्वीट के बाद भारतीय खिलाड़ियों की हालत। दानिश कनेरिया भले ही पाकिस्तान में रहते हो लेकिन अपने हिंदू धर्म पर गर्व करने से नहीं डरते हैं। एक इस्लामिक मुल्क में रहने वाले दानिश कनेरिया अपने YouTube चैनल पर भी फैंस का स्वागत जय श्री राम के साथ करते हैं। इसके अलावा पिछले साल अगस्त में जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उस वक्त भी उन्होंने इसे हर हिंदू के लिए गर्व का क्षण बताया था। तो वहीं 2020 के आखिर में उन्होंने जय श्री राम बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण का वचन ट्वीट करते हुए लिखा था, याद रखें कौन आपके साथ गेम खेल रहा है और कौन आपके साथ दिल से है। दानिश कनेरिया पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच और 18 वनडे मैच खेल चुके हैं। वो एक समय पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिनर थे, लेकिन खुद दानिश का मानना है कि उन्हें एक हिंदू होने का खामियाजा उठाना पड़ा। मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ नहीं रहा। आर्थिक तंगी झेल रहे दानिश कनेरिया आजकल शोएब अख्तर की तरह क्रिकेट पर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। बहरहाल हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।